महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. मानपाड रोडवर असलेल्या शारदा मुकांबिका हॉटेलात काल शनिवारी रात्री 15 ते 20 जणांच्या टोळक्यांनी हॉटेलात घुसून धिंगाणा घालत सीसीटीव्ही कॅमेरा टेबल खुर्च्यांची तोडफोड करत डीव्हीआरच्या वायर तोडून हॉटेलचे मालक दयानंद शेट्टी आणि एका कर्मचाऱ्याला जबर मारहाण केली आहे. याचवेळी मालकाजवळ असलेली 1 लाख रुपयांची रोकड आणि अंगठी देखील चोरी केली असल्याचं त्यांच्याकडून सांगण्यात आलंय. हॉटेल मालक दयानंद शेट्टी यांच्या डोक्याला आणि अंगावर दुखापत झाली असल्याने उपचारासाठी त्यांना डोंबिवलीतील खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. दरम्यान या घटनेनंतर डोंबिवलीतील विविध हॉटेल मालक आता मानपाडा पोलीस स्थानकात जमू लागलेत. तर आरोपी विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी सुरू केली असल्याचं पोलिसांनी सांगितलंय. विजय जुगदार बोलके उसको एक बार आके बैठ के गया, पूरा बिल पेड नहीं किया, थोड़ा बाकी रखा, फिर आधा घंटा छोड़ के वापस एक आदमी को भेजा पार्सल मांगते बोलके. 3-3.5 हज़ार का पार्सल मांगा. हम लोग कैशियर ने मना किया, पहले कभी उसका देने का बाकी है, बिल पहले कभी बाकी है, पहले भी ऐसे 2-3 दफ़ा दिया नहीं है. और कैशियर शेठ को पूछ के बताते बोल, कैशियर को गाली दिया तेरे को देखते बोल के. बाद में वापस गया वो आदमी, वापस गया, वापस विजय जुगदर एक 12-20 को आके होटल बंद करने लिए बोला. बंद नहीं करे तो अभी तोड़ फोड़ करेगा बोल के. हम लोग बंद नहीं किया होटल. 12:30 बजे बंद होने के बाद में 20-25 आदमी लोग आके पहले कैशियर को मारा, बीच में मैं उधर था किचन से आ रहा था, बाद में मेरे को मारा. विजय जुगदर, वेंकटेश पंडित और बाकी सब उसके साथ में जो आए वो लोग पकड़ के उधर ग्लास में उठा के मेरे को इधर मारा और अपना होटल का कैमरा सब तोड़ डाला. पहले प्री प्लान में आके होटल का डीवीआर का वायर नीचे निकला था, बाद में कैमरा ये किया, मेरा अंगूठी भी निकल गया और जेब में तो पैसा था, पगार करने का था स्टॉप वालों को, वो भी खींच के लिया था भाई वेंकटेश पंडित. और मेरे को भी 15-20 आदमी ऐसा भी घूस मारा और खींच खींच के मारा, 3-4 कैमरा तोड़ दिया, ग्लास तोड़ दिया, पर पूरा टेबल को नीचे. कैश मेरा का एक का ऊपर था, पगार करने का था बच्चों लोग का पगार 15 के बाद में 19-20 के अंदर हम लोग पगार करते हैं. मैं बाहर से लाया था दूसरे से, वो पैसा वो वेंकटेश पंडित ने खींच के लिया था, मेरे जेब से निकल दिया और मेरा अंगूठी भी गए ले. पुलिस में कल शास्त्री नगर जाके हम लोग पहले ट्रीटमेंट लिया, उधर ये किया था, स्टेटमेंट दिया, पुलिस स्टेशन में हम लोग बुलाया था ये करने के लिए. उधर हम लोग जो मंगता ऐसा वो लोग ये नहीं किया. हम लोग पैसा के बारे में और अंगूठी के बारे में वो सब लिखा नहीं है, इसके लिए हम ये FIR नहीं हुआ. महाराष्ट्रातील घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.